Hi viewers, welcome to another video on time speed distance. In this video I will be discussing up the concepts of relative speeds. So before starting off this video, I request each of my viewers to kindly before starting any question, just try to solve it once at your own. If you're not able to solve, then look at the solution and note down the solution for future reference. So let us start with the first question. The first question says that a person walks from his house at 6 km per hour and reaches office 5 minutes late. If his speed had been 10 km, he would have reached the office 5 minutes earlier. How far is his office from his house? तो क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी है जो अपने घर से ऑफिस जाता है 6 किलोमीटर पे, और अगर वो 6 किलोमीटर पर आर पे जा रहा है तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं पहुंचने में। और अगर वही अपने घर से ऑफिस जाता है 10 किलोमीटर पर आर पे तो उसको 5 मिनट कम लगते हैं पहुंचने में। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों टाइम्स के बीच में जो दोनों टाइम्स हैं, एक केस में 5 मिनट लेट है और एक केस में वो 5 मिनट जल्दी है, तो दोनों केस में जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं और यहाँ पे उसको 5 मिनट कम लग रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारा टाइम का डिफरेंस है, दैट इज 10 मिनट्स। अब मिनट्स को आर से कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देंगे। अब टाइम की जो इक्वेशन होती है, दैट इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में लेट द डिस्टेंस बी एक्स, स्पीड थी 6 किलोमीटर, और दूसरे केस में भी डिस्टेंस था x और स्पीड थी 10 किलोमीटर, और दोनों टाइम्स में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 10 बाय 60। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 6 और 10 का एलसीएम, लेट अस टेक टू बी 60, दिस विल बी गिवन बाय 10x माइनस 6x, 10 बाय 60। 60 से 60 कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स 4x इज इक्वल टू 10। तो x की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज 2.5, और x हमारा डिस्टेंस था, सो इट विल बी 2.5 किलोमीटर। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन, वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इट स्टेट्स दैट टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि लेटर से दिस इज माय पुणे एंड दिस इज माय दिल्ली, एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है और दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है एट 80 एंड 95 किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये ट्रेन 80 किलोमीटर पर आर पे चल रही है और ये ट्रेन 95 किलोमीटर पर आर पे चल रही है। व्हेन दे मीट, इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर। अब दोनों ट्रेन जो है वो सेम टाइम पे चली है, लेट अस से वो मीटिंग पॉइंट एम पे मीट कर रही है। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये x प्लस 180 है। अब ये लॉजिकल सी बात है कि जो ट्रेन फास्ट चलेगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सो बेसिकली ये आपका x है तो ये x प्लस 180 है। आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पुणे, तो आपको बेसिकली ये टोटल वैल्यू का सम बताना है। अब आप समझ सकते हैं कि जितनी देर में पुणे से ये एम पे पहुंची, उतनी देर में ये दिल्ली से एम पे पहुंची। अब देर का मतलब हुआ दोनों का टाइम सेम है। दोनों का टाइम सेम होने का मतलब क्या हुआ? दोनों का टाइम सेम होने का मतलब हुआ कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड शुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 960। देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस, दैट इज पी डी, विल बी इक्वल्स टू x प्लस 180, दैट इज 960 प्लस 960 प्लस 960 प्लस 180, दैट इज गिवन बाय 2100। सो इसका मतलब पुणे और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज 2100 किलोमीटर। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन, वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर्स मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड देन प्रोसीड्स एट 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड। सो लेट अस से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया पॉइंट ए के ऊपर, यहाँ तक वो अपनी नॉर्मल स्पीड एन पे चल रही थी, तो बाकी का जो डिस्टेंस है उसका, दैट इज 3/4 ऑफ एन स्पीड पे उसने कैरी किया, और उसको एक्स्ट्रा टाइम लग गया 35 मिनट्स का। हैड द एक्सीडेंट अकर्ड 24 किलोमीटर्स फर्दर, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंट ए तक तो वो 50 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड पे चली, पॉइंट बी जो 24 किलोमीटर और आगे है उस पर भी
नॉर्मल स्पीड पे चली और बाकी जो है वो 3/4 ऑफ नॉर्मल स्पीड पे चली, और इस केस में उसने 25 मिनट्स लेट कर दिया अपने आप को। आपको बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब अगर आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली देखें तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दोनों ही केसेस में ट्रेन जो है वो लेट हो रही है। अब अगर हम देखें तो इस केस में, ऊपर वाले केस के अंदर, हमारी जो ट्रेन है वो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेट हो रही है, ठीक है जी। तो हमें ये बेसिक ढूंढना है कि से फर्स्ट केस में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा कहाँ लग रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पॉइंट एस से ए दोनों ही केसेस में जो है वो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और नॉर्मल स्पीड पे ट्रैवल कर रही है। दैट मीन्स एस से ए तक ट्रेन जो है वो बिल्कुल सही चल रही है अपने नॉर्मल टाइम पे। अगर मैं इस रीजन को देखूं तो दोनों ही केसेस के अंदर मेरी ट्रेन जो है वो रिड्यूस स्पीड पे चल रही है। तो इसका मतलब जो ये कॉमन 25 मिनट्स लेट हो रही है, कॉमन 25 मिनट्स लेट हो रही है, ये लेट हो रही है बी से लेके ई के अंदर। तो इसका मतलब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 मिनट्स लग रहे हैं, वो एक्स्ट्रा 10 मिनट्स क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये 24 किलोमीटर उसने रिड्यूस स्पीड पे कवर किए और ये 24 किलोमीटर उसने नॉर्मल स्पीड पे कवर किए। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस है 10 मिनट्स का। सो टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस वॉज 24, स्पीड वॉज 3/4 ऑफ एन, सेकेंड वॉज 24/n, और इसकी वजह से 10 मिनट्स का डिफरेंस आया। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60। तो जब इसको हम n के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें n बिकम्स 48, और n मेरा स्पीड थी तो दैट बिकम्स 48 किलोमीटर पर आवर। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन, वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 570 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम ए और बी को मार्क करें, लेट अस से ए ये रहा और बी ये रहा 570 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 50 किलोमीटर पर आवर, ए से 50 पे चली 6 AM पे। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 80 किलोमीटर पर आवर, ये 80 पे चली एट 7 AM। टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रही है। एट वॉट टाइम विल दे मीट, किस टाइम पे वो मीट करेंगी। लेटर से वो पॉइंट एम पे मीट कर गई, लेटर से वो पॉइंट एम पे मीट कर गई। तो अब अगर हम देखें एम पे मीट करने के लिए, ठीक है जी, 6 AM के बाद एम पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 6 AM के टी टाइम के बाद वो मीट करती हैं। अब इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आर है, जिसका मतलब हुआ कि एक घंटे में ये 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है। अब 50 किलोमीटर अगर 1 आवर में है तो टी आवर्स में दिस विल बी 50 T। स्पीड इन टू टाइम इज द डिस्टेंस। नेक्स्ट, ये ट्रेन एक घंटा लेट चल रही है, दैट इज T-1 आवर्स चल रही है। अब अगर ये T-1 आवर्स चल रही है तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इन टू टाइम। अब जो डिस्टेंस ए एम है और डिस्टेंस बी एम है वो हमारे पास आ गया, और टोटल डिस्टेंस ए बी जो है वो 570 है। तो यहाँ पे अगर हम कहें टोटल डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल्स टू ए एम प्लस बी एम, दैट वुड बी गिवन बाय दिस। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास टी की वैल्यू विल बी 5 आवर्स। हमसे पूछ रखा है कितने टाइम के बाद मीट करेगी। सो बेसिकली 6 AM के 5 आवर्स के बाद होते हैं 11 AM। तो जो दोनों ट्रेन हैं वो मिल जाएंगी आपके पास 11 AM पे। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछा होता तो आप सिंपली टी की वैल्यू को यहाँ पे 5 पुट कर देते और आपके पास आ जाता आंसर 250 किलोमीटर। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन, वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव सेज दैट एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेजेस अ बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर बस बिना रुके चलती है, अगर बिना रुके चलती है तो वो एक घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रही है, लेकिन अगर वो रुक रुक के चल रही है इंक्लूडिंग द स्टॉपेजेस इट्स स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। सो 1 आवर में वो उस केस में 30 किलोमीटर ही चल पा रही है। फॉर हाउ लॉन्ग डज द बस स्टॉप पर आवर, आपको बताना है कि बस जो है वो कितनी देर के लिए रुकती है। अब लॉजिक यहाँ पे सिंपल है, अगर बस बिना रुके चलती तो वो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर पाती,
बट हमारी बस रुक रुक के चल रही है तो वो 30 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाई। अब इसका मतलब हुआ क्या, दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर जो बस है वो कम चल पाई। वो 10 किलोमीटर क्यों कम चल पाई, क्योंकि जितना टाइम उसे ये 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए चाहिए था उतना उसने ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि वो उतनी देर के लिए रुकी रही। सो बेसिकली हमें टाइम निकालना है जो उसको 10 किलोमीटर चलने के लिए चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 40 किलोमीटर चलने के लिए उसको 1 आवर चाहिए, 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको 1/40 of an hour चाहिए, अब 10 किलोमीटर चलने के लिए उसको 1/40 × 10 of an hour चाहिए, दैट इज गिवन बाय 1/4 of an hour। अब 1/4 of an hour को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 60 से, सो बेसिकली 15 मिनट्स थे। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए उसको 15 मिनट्स चाहिए, ठीक है जी, और वो 15 मिनट्स के लिए नहीं चली, दैट मीन्स कि वो 15 मिनट्स के लिए रुकी रही। सो उसका स्टॉपेज टाइम जो था दैट वॉज 15 मिनट्स पर आवर। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सोल्यूशन, वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज का चेंज आता है। क्वेश्चन कहता है, ए स्टार्टेड वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। एक पॉइंट है पी से क्यू, ठीक है जी, वहां से चल रहा है, और ए जो है वो इधर से इधर चल रहा है। एट द सेम टाइम बी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम क्यू टू पी, तो क्यू से पी पे चला गया। आफ्टर पासिंग ईच अदर, अब देखो वो किसी पॉइंट एम पे मीट करे, और उसके बाद बी इधर को जा रहा है और ए इधर को जा रहा है। उसने क्या कहा है कि वो अपने अपने रास्ते चलते रहे, ठीक है जी, और उनको टाइम लगा 9 आवर्स, ए को लगा 9 आवर्स और बी को लगा 16 आवर्स, ठीक है जी। इफ एट वॉट रेट डज बी वॉक, आपको बी की स्पीड बतानी है, बी की स्पीड, इफ ए वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपको मीटिंग के बाद का टाइम दे रखा होगा कि रिस्पेक्टिवली उनको कितना कितना टाइम लगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, और दोनों में से एक की स्पीड दे रखी होगी और हमेशा दूसरे की स्पीड फाइंड करने को कहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आप शॉर्टकट याद रखिए, दैट इज स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पीड ऑफ ए इज 16, स्पीड ऑफ बी हमें निकालनी है, लेट इट बी एक्स। अब टाइम ऑफ बी इज 16 आवर्स, टाइम ऑफ ए इज 9 आवर्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करें सो दिस विल बिकम 16 by x इज इक्वल्स टू 4/3। सो यहाँ पे कैंसिलेशन हो गई और x की वैल्यू आ गई आपके पास 12, दैट इज b की जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। काइंडली नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस शॉर्टकट। Moving on to the next question, a question says that a thief is spotted by a policeman at a distance of 200 meters. So let us say ये पुलिस वाला है और यहाँ पे thief है at a distance of 200 meters. If the speed of the thief be 10 kilometers per hour, और thief जो है वो 10 kilometers per hour पे भागता है, and that of policeman be 12 kilometers per hour, पुलिस वाले की speed है 12 kilometers per hour, then how far will the thief run before the policeman catches him? तो इसका मतलब अब थीफ इधर भागेगा तो पुलिस वाला भी इधर भागेगा, क्योंकि थीफ बचने के लिए भाग रहा है और पुलिस वाला उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है। लेट अस से वो पॉइंट एम पे जाके पकड़ा गया, पॉइंट एम पे जाके पकड़ा गया, पॉइंट एम जो है लेट अस से वो डिस्टेंस एक्स किलोमीटर पे है फ्रॉम टी। तो अब फिर से लॉजिक अगर आप देखें यहाँ पे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है क्वेश्चन के अंदर कि जितनी देर में थीफ टी से एम पहुंचा, उतनी ही देर में पुलिस वाला पी से एम पहुंच गया, और देर का मतलब होता है दोनों का टाइम ऑफ ट्रैवल सेम है। तो अगर दोनों का टाइम ऑफ ट्रैवल सेम है तो उनका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे अगर 200 है तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 से किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो पुलिस वाले का डिस्टेंस हो गया 200/1000 + x/12, और थीफ का डिस्टेंस हो गया x/10। So if I cross multiply this, this will become 0.2, this will become 0.2, 0.2 into 10 will be 2, 2 plus 10x is equals to 12x, so basically this will be 2x is equals to 2, so it will be x is equals to 1, और हमसे पूछा गया है कि policeman
ठीक है, जब से पुलिस में कितना डिस्टेंस वो भाग सकता है। तो थीफ का डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 1 किलोमीटर, और पुलिस वाले का डिस्टेंस हो जाएगा 1+0.2, दैट इज 1.2 किलोमीटर्स। डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर यही आपको टाइम पूछ लिया होता तो वी वुड हैव सिंपली पुट डिस्टेंस 1 ओवर हेयर एंड द टाइम वुड हैव बीन 1/10, दैट इज 0.1 ऑफ एन आवर। काइंडली पॉज द वीडियो, नोट डाउन द सॉल्यूशन, वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टाइप। इट सेज दैट वॉकिंग एट 4/5 ऑफ द यूजुअल स्पीड अ मैन इज लेट बाय 40 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन। अब उसने क्या कहा है कि जो आदमी है उसने अपनी स्पीड कर दी है 4/5, ठीक है जी, 4/5, और ऐसा करने पे ही इज गेटिंग लेट बाय 40 मिनट्स। फाइंड द नॉर्मल टाइम टेकन बाय हिम। अब आप देखिए जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला है, हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल कि मेरे घर से मेरे ऑफिस तक का डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है। अब अगर मैं अपनी स्पीड ज्यादा करके जाऊंगा तो आई विल बी यूजिंग लेस टाइम। स्पीड ज्यादा है तो टाइम लेस होगा। और वहीं अगर मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा हूं और मैंने अपनी स्पीड कम कर दी, दैट इज स्पीड लेस कर दी, तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां से हमने लॉजिक सिंपल ड्राइव कर लिया कि फॉर अ फिक्स डिस्टेंस अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा है, ठीक है जी। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि उसको नॉर्मल टाइम टी लग रहा है, नॉर्मल टाइम टी लग रहा है, और हमने देख लिया है कि अब स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, कि अगर मैं स्पीड को डबल करूंगा तो टाइम हाफ लग जाएगा, स्पीड को ट्रिपल करूंगा तो टाइम 1/3 लग जाएगा। तो यहां पे मैंने जो अपनी स्पीड कर दी है दैट इज 4/5 कर दी है, 4/5 कर दी है। अगर स्पीड 4/5 कर दी है तो मुझे टाइम लगेगा 5/4 ऑफ टी, और दोनों टाइम्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 40 मिनट्स कह रखा है उन्होंने। सो दिस विल बिकम व्हाट। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका नया टाइम है वो बड़ा रहेगा क्योंकि आपने स्पीड को कम करी है। सो द इक्वेशन शुड बी लाइक दिस। सो दिस विल बिकम 1/4 ऑफ टी, दैट इज 40। सो टी विल बी गिवन बाय 160 मिनट्स और 2 आवर्स 40 मिनट्स। नाउ इट इज योर चॉइस कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन, वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज दैट वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर अ मैन इज 12 मिनट्स लेट। ठीक है जी, इस टाइप का हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। सो उसका जो टाइम होगा दैट वुड बी गिवन बाय x by 5। और दूसरे केस में इफ अ मैन इज वॉकिंग एट 6 तो उसका टाइम होगा x by 6। और एक केस में वो 12 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है और एक केस में -8 ले रहा है, तो बेसिकली वो 20 मिनट्स का डिफरेंस जनरेट हो गया मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60। तो इफ आई सॉल्व दिस, दिस विल बिकम 6x - 5x, दैट इज x by 30 विल बी इक्वल टू 20/60। सो यहाँ कैंसिलेशन हुई, यहाँ 10 से कैंसिलेशन हो गई, सो एक्स विल बिकम व्हाट 10। तो जो डिस्टेंस है उसका दैट इज 10 किलोमीटर्स। काइंडली पॉज द वीडियो एंड देन नोट डाउन द सॉल्यूशन एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टाइप। बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन आप यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लीजिए। हमारे पास कुछ केसेस रहते हैं कि अगर एक ट्रेन अपने लेंथ की, दूसरे ट्रेन अपने लेंथ की अपनी अपनी स्पीड से आ रही हैं, और लेट अस से वो बिल्कुल आमने सामने से आ रही हैं, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो फाइंड करो कि जो आपकी फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को कितनी देर में ओवरटेक कर जाएगी। या फिर जो दोनों ट्रेन्स हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को कितनी देर में ओवरटेक कर जाएगी। तो इसमें आप रिलेटिविटी की जगह आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज टाइम इन सेकेंड्स, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ये होनी चाहिए मीटर्स में, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी इंटू 5/18। ये 5/18 हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है तो आपको 5/18 करने की जरूरत नहीं है। अब प्लस का जो केस है, प्लस का केस विल बी यूज्ड फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन एंड माइनस विल बी यूज्ड फॉर सेम डायरेक्शन। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस फर्स्ट केस ऑफ ट्रेन। ट्रेन वंस नोटेड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।
अब इन्हीं के अंदर जो सेकंड केस बन सकता है कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या फिर टनल को कितनी देर में क्रॉस कर सकती है। सो बेसिकली इसी के अंदर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इन सेकंड्स, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म को बेसिकली हम एक स्टैंडिंग ट्रेन गिन सकते हैं, सो दूसरे ट्रेन की स्पीड 0 हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू 5/80, दिस विल बी माई फॉर्मूला। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सोल्यूशन। थर्ड केस जो हमारे पास रहता है दैट इज ट्रेन पोल का या फिर स्टैंडिंग ह्यूमन का। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ ट्रेन, जो ह्यूमन या पोल है उसकी लेंथ 0 होगी, सो इन न्यूमरेटर इट बिकम्स लेंथ ऑफ ट्रेन, और स्टैंडिंग है तो उसकी स्पीड भी 0 रहेगी। सो द फॉर्मूला बिकम्स टाइम इन सेकेंड्स इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू 5/80। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट केस हमारे पास होता है ट्रेन एंड मूविंग मैन का, ट्रेन एंड मूविंग मैन का। अब इस केस में जो फॉर्मूला है दैट इज टाइम इन सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ह्यूमन इंटू 5/18। अब इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ह्यूमन की जो लेंथ है वो 0 रहेगी, और स्पीड ऑफ ट्रेन है तो उसकी डायरेक्शन भी आएगी, दैट वुड बी ऑपोजिट के लिए प्लस और सेम के लिए माइनस, और किलोमीटर पर आवर में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू मीटर्स पर सेकेंड। काइंडली नोट डाउन द फॉर्मूला एंड देन मूव अहेड। नाउ हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच इज 240 मीटर लॉन्ग एंड नोटिसज दैट अ ट्रेन क्रॉसिज हिम, यानी कि उसने नोट किया कि स्टैंडिंग मैन को वो कितनी देर में क्रॉस कर गई, 7 सेकेंड्स में। सो यूजिंग द केस नंबर 3 दैट इज टाइम इन सेकेंड्स, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी वाई गिवन बाय 5/18 व्हाइल द प्लेटफॉर्म इन 17 सेकेंड्स। यानी कि दूसरा केस जो दे रखा है वो दे रखा है आपको ट्रेन के अंदर प्लेटफॉर्म के साथ, सो दैट वुड बी गिवन बाय 17 सेकेंड्स, x प्लस 240 दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, 2 y/y इंटू 5/18। अब अगर आप देखें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बेसिकली मुझे लेंथ फाइंड करनी है, दैट इज 1 एंड 2, सो लेट अस डिवाइड दीज इक्वेशंस। अगर मैं 2 को डिवाइड कर देता हूँ 1 से तो आई विल बी गेटिंग 17/7, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो दिस विल बी गिवन बाय x, सो क्रॉस मल्टीप्लाइड दिस वुड बी 7x, so it would be 700, 7 for the 28, 7 to the 14, 16, so it would be 10x equals to 1680, so x ki jo value aegi that would be given by 168 meters. Kindly pause the video and note down the solution. Once clear, then move on to the next question. Question number 11. A man walking at a speed of 6 km per hour notices that a train of length 300 meter crosses him in the same direction as 20 seconds. तो अब ये केस आपके पास जो आ गया that is the case of train and moving man. ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन की लेंथ जो है that is 300, speed of man is 6, तो ट्रेन की स्पीड हम x मान लें और सेम डायरेक्शन में है तो -6 into 5/18. So let us solve this. So this gets cancelled. This gets cancelled. 5, 3 gets cancelled. So on solving this, x minus 6 becomes equals to 54. So x will be given by 60 kilometers per hour. So iska matlab jo train ki speed hai, that is 60 kilometers per hour. Kindly pause the video and note down the solution. Once clear, then move ahead. Question number 12 is again a very important type. It says that a monkey tries to ascend a greased pole 14 meters high. इसका मतलब है एक मंकी है जो चढ़ने की कोशिश कर रहा है ग्रीस्ड पोल पे जो 14 मीटर हाई है।
He ascends 2 meters in first minute and slips down 1 meter in alternate minute. इसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट मिनट के अंदर वो प्लस टू चढ़ जाता है और सेकंड मिनट के अंदर वो माइनस वन हो जाता है, तो थर्ड मिनट में वो फिर से प्लस टू चढ़ेगा और फोर्थ मिनट में फिर से वो माइनस वन होगा। तो आप देख सकते हैं कि नेट जो 2 मिनट की आउटपुट है वो 1 मीटर की आ रही है। हमें बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा ऊपर चढ़ने में। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 28 दे देते हैं सिंपली क्योंकि दे से कि भाई सर 2 मिनट में आपको 1 मीटर का आउटपुट मिल रहा है, तो 4 मिनट में 2 का मिलेगा, 6 मिनट में 3 का मिलेगा एंड सो ऑन 14 चढ़ने के लिए 28, क्योंकि जितना डिस्टेंस है उसका डबल टाइम लग रहा है आपको। बट इस चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि साइकिल पूरा हो रहा हो। लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर हम इसी लॉजिक से चलें तो उसको 10 मीटर चढ़ने में 20 मिनट्स लग गए होंगे क्योंकि डबल टाइम लगता है जितने मीटर है। तो अब 21st मिनट में वो प्लस टू हो गया होगा, दैट इज 12 मीटर पे पहुंच गया, और 22nd मिनट में वो माइनस वन होके 11 मीटर्स पे पहुंच गया होगा। फिर 23rd के अंदर प्लस टू करके वो 13 पे पहुंच गया होगा। 24th मिनट में वो माइनस करके 12 पे पहुंच गया होगा। अब आप ध्यान से देखिए जो 25th मिनट आएगा, दैट इज ऑड नंबर ऑफ मिनट, और ऑड नंबर ऑफ मिनट में आप देखो वो प्लस टू चढ़ता है, तो जैसे ही वो 12 प्लस टू चढ़ेगा तो वो 14 पे चढ़ गया, वो 14 पे चढ़ गया, और हेंस अगर वो 14 पे चढ़ गया तो इसका मतलब वो टॉप पे चढ़ के बैठ चुका है। तो 26 मिनट आ ही नहीं रहा आपके पास, तो 26 मिनट अगर आएगा नहीं तो वो स्लिप नहीं करेगा। हेंस माय आंसर विल नॉट बी 28 मिनट्स, इट विल बी 25 मिनट्स। काइंडली इस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करिए रादर देन यूजिंग एनी रॉन्ग शॉर्टकट, ठीक है? इसको बिल्कुल आराम से करिए क्योंकि बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है पेपर्स में। प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन एंड देन मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2400 मीटर्स, लेट अस से ये ए और बी हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ए और बी जो है वो 2400 मीटर्स पे है। ए स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट हो गए एट अ स्पीड ऑफ 70 and 38। As they start, a bird sitting at the cap of A starts flying towards B, touches B and then returns towards A and so on, unless they meet. तो अब यहाँ पे उसने कह रखा है कि एक बीच में बर्ड है आपके पास, और जो बर्ड है वो क्या कर रही है, वो A की कैप पे बैठी थी, जैसे ही दोनों ने चलना शुरू किया वो B को टच करती है, फिर वापस A पे आती है एंड सो ऑन, वो फ्रो टू एंड फ्रो फ्लाई करती रहती जब तक वो दोनों मीट नहीं करते। What is the distance traveled by bird if its speed is 324 kilometers per hour? आपको बताना है कि जो बर्ड का डिस्टेंस है वो कितना है। अब बेटे अगर हम लॉजिकली यहाँ पे देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज गिवन बाय स्पीड इन टू टाइम। अब अगर मुझे किसी का भी डिस्टेंस निकालना है तो ऑल आई नीड इज द स्पीड एंड टाइम। अब स्पीड तो मेरे पास बर्ड की दे रखी है 324 किलोमीटर पर आवर, तो बेसिकली वो 324 हो गया। अब अगर मुझे इनका टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि जब ए ने चलना स्टार्ट किया और जब तक ए और बी मीट नहीं करे तब तक वो फ्लाई करते रहे, तो इसका मतलब जो एक्चुअल टाइम है वो मुझे टाइम निकालना है इनका टाइम ऑफ मीटिंग, इनका टाइम ऑफ मीटिंग। तो अगर इनका टाइम ऑफ मीटिंग मैं निकाल लूं तो बेसिकली मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा बर्ड का। सो लेट अस फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग। दोनों सेम टाइम पे चले हैं तो लेट अस से वो टी आवर्स के बाद मीट कर रहे हैं, टी आर्स के बाद मीट कर रहे हैं। सो ही हैज ट्रैवल्ड 70 टी एंड ही हैज ट्रैवल्ड 38 टी। सो बेसिकली जो डिस्टेंस बन रहा है मेरा, दैट इज 70 टी प्लस 38 टी, सो दैट वुड बी 2400 डिवाइडेड बाय 108 इनटू टी। सो लेट अस कैलकुलेट इट, दिस विल बिकम 12 200 हियर इट विल बी 12 9। सो टी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 200/9। अब रादर देन कन्वर्टिंग दिस इनटू फ्रैक्शन यू जस्ट डायरेक्टली पुट द वैल्यूज ओवर हियर, दैट वुड बी 324 इनटू 200/9। सो लेट अस सॉल्व इट, दिस विल बिकम 9 3 27 6 54। सो जो आपका डिस्टेंस यहां पे बन रहा है दैट इज डी, दैट वुड बी 36 इनटू 200, दैट वुड बी गिवन बाय 7200 किलोमीटर्स। जो बर्ड है उसने ट्रैवल किया है 7200 किलोमीटर्स।
काइंडली पॉज द वीडियो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो रिवाइंड करके इसको दोबारा देखिए, वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. रजत हैड कवर्ड 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ हिज ट्रिप व्हेन हिज स्कूटर फेल्ड. यानी कि उसका जो टोटल डिस्टेंस था, लेटर से हम उसको 3 मान लें क्योंकि 1/3 लेना है हमें, तो 1/3 का मतलब यहाँ पे जाके स्कूटर फेल कर गया आफ्टर 1 किलोमीटर. एंड ही पार्क द स्कूटर, उसने स्कूटर पार्क कर दिया एंड देन कवर्ड द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन फुट. ठीक है जी, बाकी डिस्टेंस उसने पैदल कवर किया, टेकिंग 20 टाइम्स एज लॉन्ग एज वॉकिंग एज राइडिंग. ठीक है जी, एज राइडिंग. तो राइडिंग की स्पीड, अगर हम राइडिंग का टाइम आर मान रहे हैं तो यहाँ पे जो टाइम है दैट इज 20 आर. हिज राइडिंग स्पीड वॉज हाउ मेनी टाइम्स दी वॉकिंग स्पीड. आपको राइडिंग स्पीड का और वॉकिंग स्पीड के बीच का रिलेशन बताना है. नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस 1 है और राइडिंग जो स्पीड है हमारा, टाइम है हमारा, वो आर है. तो हमारी जो स्पीड होगी स्कूटर की, जो स्पीड है हमारे पास स्कूटर वाली, दैट वुड बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. नेक्स्ट जो दूसरे वाली स्पीड है हमारे पास वॉकिंग की, दैट वुड बी अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हमसे पूछा क्या गया है, हिज राइडिंग स्पीड वॉज हाउ मेनी टाइम्स. ठीक है जी, राइडिंग स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्कूटर की स्पीड वॉज हाउ मेनी टाइम्स. दैट इज दोनों रेशियोज को अगर मैं डिवाइड कर दूं, सो आई विल बी गेटिंग 1/r 3 डिवाइडेड बाय 20/r. r से r कैंसिल हो गया, सो दैट वुड बी गिवन बाय 20/3. सॉरी दिस वॉज 2, यहाँ गलती हुई, दिस वॉज 2 क्योंकि बाकी डिस्टेंस 2 था. सो 20/2 दैट वुड बी गिवन बाय 10:1. सो बेसिकली उसकी जो स्कूटर की स्पीड है दैट वॉज 10 टाइम्स इज वॉकिंग स्पीड. क्या आप देख सकते हैं कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो SS विल बी गिवन बाय 10 टाइम्स वॉकिंग स्पीड. 10 टाइम्स वॉकिंग स्पीड. सो यही पूछ रखा है कि इसकी राइडिंग स्पीड वॉकिंग स्पीड के कितने टाइम्स है, तो आंसर इज 10 टाइम्स. काइंडली पॉज द वीडियो, नोट डाउन द सॉल्यूशन, वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट जे एंड के आर स्टैंडिंग एट अ प्लेस. जे एंड के जो है वो एक प्लेस ए पे खड़े हुए हैं और वहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया टूवर्ड्स बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर. सो लेटर से ये ए है आपके पास और ये बी है आपके पास. सो दिस इज 55 किलोमीटर. ये जे खड़ा है और ये के खड़ा है एट द स्पीड ऑफ 13 and 9 रिस्पेक्टिवली. ये 13 और 9 की स्पीड पर रिस्पेक्टिवली चल रहे हैं. अब हुआ क्या यहाँ पे, उसने क्या कह रखा है आगे, जे रीचेस, अब जे तेज चल रहा है तो जे रीचेस बी एंड रिटर्न्स. जे बी पे पहुंच गया और वापस चलना स्टार्ट हो गया और के को मीट करता है लेटर से इस पॉइंट के ऊपर. ठीक है जी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पी. ये पी पॉइंट है आपका, आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन बी एंड पी. अब आप देख सकते हैं जे ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट वॉज 55 और वापस यहां से अगर वो x ले रहा है तो उसका जो डिस्टेंस हो गया दैट वुड बी 55 + x और स्पीड जो थी उसकी 13 थी. सो उसको टाइम जो लगा j को a से b और b से p जाने में दैट वुड बी 55 + x/13. और दूसरे को k को, जो k है उसने ट्रैवल किया है 55 - x, क्योंकि अगर ये x है तो ये 55 - x होगा. सो उसको जो टाइम लगा दैट इज 55 - x/9. अब जितनी देर में जे यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में के यहां से यहां पहुंचा. ठीक है जी, सो दोनों का टाइम ऑफ ट्रैवल विल बी सेम. सो लेट अस सॉल्व इट. अब 9 × 55 अगर हम करेंगे, सो 9 × 55 वुड बी 440 + 9x. 13 × 55 विल बी गिवन बाय 650 + 65. अगर हम यहां पे 13 × 55 करें सो दैट वुड बी गिवन बाय 650 + 65, दैट वुड बी 715 - 13x. सो अब यहाँ पे इसको उधर लेकर जाएंगे तो 9x + 13x वुड बिकम 22x और 715 + 495 दैट वुड बी गिवन बाय 500 + 700 इज 1210. सो x विल बिकम 1210 डिवाइडेड बाय 22. सो 11 tens, 11 twos, सो आंसर विल बी 5. तो यहाँ पूछ रखा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पी.
तो बी और पी के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 5 किलोमीटर्स। काइंडली इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर्स में पूछा जाता है। वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको रिलेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बारी अच्छे से देखिए क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आना डेफिनेट होता है पेपर के अंदर। वंस क्लियर देन मूव अहेड विद द अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। काइंडली कीप ऑन लाइकिंग शेयरिंग एंड रिव्यूइंग आवर वीडियोस। थैंक यू।